कल से आप लगातार टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं मैंने आपके बड़े इंटरव्यूज देखे आपने सोचा था कि इतनी जल्दी आपके जो भक्त हैं वो तो हैं ही लेकिन अब देश में जो लोग आपको नहीं जानते वो भी अब आपको जान गए हैं अचानक से आप पिछले 48-50 घंटे में बड़े मशहूर हो गए हैं तो वो जो समिति है जो आपके पीछे पड़ी उसका तो धन्यवाद देना चाहिए आपको भैया उनको बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं और देखो ये आंधी के नाम हैं बात में दम और शक्ति होनी चाहिए अपने मीडिया को मैनेज करके कोई भी नाम फेमस करा सकता है कर सकता है पर अगर दम नहीं होगी ताकत नहीं होगी सच्चाई नहीं होगी बोल्ड आउट हो जाएंगे आज पूरे नेशनल मीडिया एक्सपोज करने आई थी आपका चैनल भी तो आया था आपका चैनल ने चूंकि उल्टा दिखाया है क्योंकि पता नहीं आपके चैनल को आ, क्या हुआ है जो हमने ललकार कर चुनौती दी थी उसको पता ही नहीं उसके पास भी नहीं भेजा और आप लोग भी नहीं आए तो आप लोगों ने तो ये दिखाया कि सफाई देते देते आंखें भरी हैं अरे सफाई देते हमारी आंखें भरेंगी हम हैं उनको हमने रुला दिया है झंडा गाड़ करके तो आ, कल हम फिर कहेंगे कि कल आकर के आंखों खुली आंखों से लोगों को देखना चाहिए आप बिजी रहते हैं तो आपको नहीं बुलाएंगे पर मैं देख रहा था आ, आप बड़े क्रोधित थे मैंने आपके जो वीडियो देखे कल के और आज के बड़े क्रोधित थे आप और बड़ा गुस्सा आपको आ रहा था और आप कह रहे थे कि मैं अपने, अच्छा, आप मैं अपने आपे में नहीं जब नेशनल चैनल ने किया क्या हमने झंडा नहीं गाड़ा हाँ हम अपनी शक्तियों के उसमें थे लेकिन आज हमने झंडा गाड़ दिया सनातन का जो कहते थे चमत्कार नहीं होते भारत के इतिहास में क्या किसी पादरी के खिलाफ इतने न्यूज चैनल लग करके उन्होंने कभी हुआ एक्सपोज आप हाँ या ना भर बोल दीजिए बस तो अच्छा उसी से संबंधित आपसे सवाल पूछता हूं आप में और एक पादरी में और एक मौलाना में जो मौलाना झाड़ कर रहा है जो पादरी जो अभी हमने आपको दिखाया वो कर रहा है और आप जो कर रहे हैं तीनों में फर्क क्या है बहुत सुंदर प्रश्न वेरी गुड थैंक यू वेरी मच माय डियर आई प्राउड ऑफ यू उसमें और हम में बागेश्वर धाम में यही अंतर है कि देखो हम किसी भी प्रकार का शोषण नहीं करते हम दक्षिणा नहीं लेते हम अपने से नहीं जोड़ते आने वाली चढ़ोत्री को हम गरीब बेटियों के विवाह में लगाते तीन साल से निशुल्क भंडारा करवाते और दो तक भक्तों के सहयोग से 400 सौ बेड का विशाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर बनवाने जा रहे हैं हम दंगा नहीं फैलाते हम शोषण नहीं करते हम हलाला नहीं करते हम डुबकी के नाम पर भगवान को लिए डराते भी नहीं है हम सिर्फ श्रद्धा के नाम पर बालाजी की

अच्छा आपसे ये जानना चाहते हैं जब आप अपना दिन अपने दिन की शुरुआत करते हैं जब आप दरबार लगाते होंगे हजारों लोग आते हैं उनमें से आप कुछ लोगों को चुनते हैं वो लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्या बताते हैं उन लोगों को आप कैसे चुनते हैं पहली बात फिर जब वो लोग आते हैं तो आप उनको कहते हो मुझे पहले से ही पता है कि आपकी समस्या है। क्या है कागज पर आपने लिखी होती है ये सब आप इसकी तैयारी आप कैसे करते हो सुबह सुबह आप उठ के हनुमान जी से पहले कह देते हैं कि भाई आज मुझे शक्ति चाहिए कोई तैयारी नहीं है कोई प्रोजन नहीं है नहीं नहीं ये सब ये सब नहीं है वो तो जाके गद्दी पर आवाहन करते हैं कि जिनकी पर्चा बनना हो आप मन में प्रेरणा दीजिए तो वो मन में प्रेरणा दे देते भाई अमुक व्यक्ति को बुला लीजिए नीरज को बुला लीजिए धीरज को बुला लीजिए विवेक को बुला लीजिए इनको बुला लीजिए ऐसी मन में प्रेरणा लगती वो वहां बैठा होगा ऐसे कपड़े पहना होगा अब जैसे आज एक अद्भुत हो गया अब कोई कहे कि तो माइंड रीडिंग हो सकता है आज हमने आप में से किसी एक पत्रकार को कहा कि जाओ तुम जिसको उठा लाओ उसी का पर्चा हमने पहले से ही बिफोर टाइम बनाकर रख दिया अब वहां पूरी विज्ञानता सुन्न हो गई <laughs> वहा दिमाग खराब हो गया सबका जी और तब... हमने कह दिया कि आप सब पत्रकारों में से दो पत्रकार नेशनल ने चैनल लगे थे हमने कहा था दो पत्रकार हमारे सामने भेज दीजिएगा दो पत्रकारों की हम अर्जी अब, अब यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता हूं मान लीजिए मैं आपके दरबार में आऊं मैं आपके सामने बैठा हूं आपने मुझे बुलाया और मैं आपके सामने आ गया अब आप मेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्या होगा आगे ये कैसे पता लगाते हैं आभास होता है देखो हम कोई अंदाजा तो लगाते नहीं आभास होता है हम प्रार्थना करते हैं पेन कागज़ कलम लेते हैं ध्यान में अंदर ही अंदर जाते हैं कि हाँ प्रभु कृपा करो तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो उन्होंने हमें चेतना तरंग दे रखी है वो तरंग हमें प्रेरणा दे देती हम कलमबद्ध कर देते हो कह देते अच्छा प्रभु लाज रखना अपनी भी और हमारी भी और वो सबसे निकलता है बस इतना लॉजिक है ये लॉजिक परे है इसी का नाम तो सिद्धि है जो समझ में ना आए वही तो चमत्कार है अभी आप लगा सकते हैं ध्यान मेरे बारे में आज से तीस साल पहले कोई कहे कि आप देश विदेश में बैठे सकते देश विदेश में बैठे लोगों को वीडियो कॉल पर आप तुरंत बात कर पाएंगे तीस साल पहले ये कोई कहता था तो कहते कितना झूठ आदमी है मूर्ख आदमी है ऐसा हो ही नहीं सकता ये तो चमत्कार होगा लेकिन आज सहज है